हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की थर्ड फॉर्म की स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में हमने जो इसकी फर्स्ट फॉर्म पढ़ी थी पॉइंट फॉर्म, उसमें क्या था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द एलएस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 180 पॉइंट एक्स वन वाई वन इज ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो हमारी एलिप्स थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उसके पॉइंट एक्स वन वाई वन पे जो इक्वेशन आ रही थी वो क्या आई थी, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रही थी। ये कौन सी थी, फर्स्ट वाली फॉर्म, कौन सी, पॉइंट फॉर्म। अब हम इसे किसमें चेंज कर रहे हैं, स्लोप फॉर्म में, एम की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इसे एम की इसकी स्लोप फॉर्म में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे एम में चेंज करेंगे। आपको पता है इसमें हमने जो इसकी स्लोप निकाली थी वो स्लोप क्या थी, स्लोप थी एम इक्वल टू ए स्क्वायर वाई वन अपॉन वी स्क्वायर एक्स वन। ये क्या थी बेटा, इसकी एम थी, इसकी स्लोप थी। अच्छा, इसकी स्लोप एम इक्वल टू ये थी, तो मैं क्या करूंगा बेटा यहाँ पे एक्स वन, ये जो एक्स वन है और जो वाई वन है वो वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा और उन्हें यहाँ से फिर सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करूंगा एम की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे मैं पहले वाई वन की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा बेटा मैं यहाँ पे, वाई वन की। तो वाई वन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वाई वन इक्वल टू एम वी स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर। क्या आएगा बेटा, वाई वन इक्वल टू एम वी स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर। मैंने क्या है, इधर शिफ्ट किया है और बाकी आपके इधर इसे डिवाइड किया। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, वाई वन की। अच्छा, वाई वन की वैल्यू जो है वो हम कहाँ पे पुट करेंगे बेटा, आपके पास में जो इक्वेशन दी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे जो ये इक्वेशन है किसकी, नॉर्मल की आ गई, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है जो एक्स वन वाई वन है वो किस पे लाई कर रहा है बेटा, इलिप्स पे। किस पे लाई कर रहा है, ये इलिप्स पे। अच्छा, इलिप्स पे लाई कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा, एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से मैं वाई वन की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन की वैल्यू है एम वी स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1। मीन्स एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी टू द पावर 4 एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 4 एंड वी स्क्वायर, ठीक है बेटा, इक्वल टू 1। अच्छा, वी स्क्वायर इस कैंसिल बाय वी स्क्वायर, रिमेनिंग टर्म क्या होगी, एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 4 इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। देखो यहां से मुझे x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, x1 स्क्वायर मैंने यहां से कॉमन लिया, देन रिमेनिंग टर्म जो रहेगी वो क्या रहेगी, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन a टू द पावर 4 इक्वल टू 1 एंड x1 स्क्वायर इक्वल टू lcm लिया a टू द पावर 2 प्लस m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन a टू द पावर 4 इक्वल टू 1। ए टू द पावर 4 इधर की साइड शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू ए टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। मीन्स एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट। ये किसकी वैल्यू होगी मेरे पास में, एक्स वन की। सिमिलरली आपको x1 की वैल्यू यहाँ से मिली है, सिमिलरली मैं किसकी वैल्यू फाइंड करूंगा यहाँ से, y1 की। y1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मैंने अभी यहाँ से क्या वैल्यू कैलकुलेट की थी, x1, sorry, y1, x1 के लिए। तो मैं यहाँ पे अभी क्या करूंगा, y, x1 की वैल्यू फाइंड करूंगा। आपको पता है यहाँ से x1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, x1 की जो वैल्यू बनेगी यहाँ से x1 इक्वल टू ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एम। ये वैल्यू किसकी है बेटा, x1 की वैल्यू है। x1 की वैल्यू मुझे कहां पुट करनी है, इस इलिप्स में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू है बेटा यहाँ पे a स्क्वायर y1 अपॉन v स्क्वायर m अपॉन a स्क्वायर ऑल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से क्या हो जाएगा, a टू द पावर 4
वाई वन स्क्वायर अपॉन बी टू दी पावर फोर एम स्क्वायर अपॉन ए टू दी पावर टू प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पे जो आपके पास में वैल्यू आई है वो क्या हो जाएगी बेटा, देखो यहाँ पे a टू दी पावर फोर b टू दी पावर फोर, a टू दी पावर फोर से ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा, क्या रिमेनिंग रहेगा a स्क्वायर y वन स्क्वायर अपॉन b टू दी पावर फोर m स्क्वायर प्लस y वन स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू वन, ये हमें टर्म मिलेगी। अच्छा इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके लिए आपके पास में ये जो टर्म आई है मुझे y1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y1 की वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ y1 स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, रिमेनिंग रहा a स्क्वायर अपॉन b टू दी पावर 4 m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे b टू दी पावर 4 है तो a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर यहाँ से ये हो जाएगा b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या b स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन बी टू दी पावर फोर एम स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा वाई वन स्क्वायर इक्वल टू बी टू दी पावर फोर एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर एंड वाई वन इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर एम अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, दिस इज दी वाई वन। X1 तो हमारे पास में आ गया और ये क्या आ गया बेटा Y1। अब मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है, आपको पता है स्लोप क्या आ रही है बेटा, स्लोप आ रही है M, स्लोप है लाइन की M और पॉइंट Y1 और X1 इन दोनों का यूज करके। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मींस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल Y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, मैंने उसकी स्लोप क्या लेट की थी m की थी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये हो जाएगा y माइनस v स्क्वायर m अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर m स्क्वायर, यहाँ पे बेटा प्लस माइनस। ठीक है। अच्छा इक्वल टू m ऑफ x माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है बेटा। ये हो जाएगा आपके पास में y, ये एम एक्स हो गया, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव है, वो क्या है बेटा आपकी नेगेटिव है, यहां से हो जाएगा ये वाला बी स्क्वायर m अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर m अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर एंड y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, यहां से मैं कॉमन क्या ले लूंगा बेटा m कॉमन ले लूंगा तो क्या रिमेनिंग रहेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। मैंने आपको दो फॉर्म पहले बता चुका हूँ, कौन कौन सी, पैरामेट्रिक फॉर्म और पॉइंट फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है इसकी, और जो कौन से बेटा स्लोप फॉर्म, इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो आएंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होंगे, दिस इज वाई वन एंड दिस इज एक्स वन, y1 इक्वल x1 इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर एंड y1 इक्वल टू बी स्क्वायर एम अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आपकी थर्ड फॉर्म जो है स्लोप फॉर्म वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की होगी। ठीक है बेटा। हाँ बेटा देखो हमारा क्वेश्चन है, इफ द नॉर्मल एट, इफ द नॉर्मल एट एन एन ऑफ एन ए लेटर रेक्टम ऑफ एन एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन पासेस थ्रू वन एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सिस सो दैट एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज गिवन बाय ई टू द पावर फोर प्लस ई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो और ई स्क्वायर इक्वल टू रूट फाइव माइनस वन अपॉन टू। आपके पास में क्या है देखो, ये अगर हमारे पास एलिप्स है, ये अगर इलिप्स है बेटा
तो इसके लेटर सेक्टम, लेटर सेक्टम क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। तो ये जो लेटर सेक्टम है, इस लेटर सेक्टम के एंड पॉइंट क्या होंगे बेटा, इस लेटर सेक्टम के एंड पॉइंट क्या होंगे, एंड पॉइंट है आपके पास में ये इसका AE,0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा AE, लेंथ कितनी होती है 2B² / A, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B² / A, ठीक है बेटा। ये एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट पे ये तो इसकी टेंजेंट हो गई, इस टेंजेंट के 90 डिग्री पे जो लाइन जा रही है वो लाइन माइनर एक्सिस के वन एंड से पास हो रही है, ठीक है। अच्छा ये इलिप्स अगर x² / A² + y² / B² = 1 है, तो इसका एंड पॉइंट क्या होगा बेटा, 0, -B, ठीक है। यहाँ पे हो गया B एंड दिस इज B डैश, दिस इज A, दिस इज A डैश एंड नॉर्मल एट दिस पॉइंट इज पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस, और माइनर एक्सिस का वन एंड क्या है बेटा, 0, -B। सबसे पहले आप क्या करो, द पॉइंट ऑफ एंड्स ऑफ लेटर रेक्टम, द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट आर AE,B² / A। वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट AE,B² / A। आफ्टर दैट दिस नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस, सो पॉइंट 0, -B सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1, y1 इज A² x / x1 - B² y / y1 = A² - B² क्या होती है बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1, y1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1, y1 इज A² x / x1 - B² y / y1 = A² - B² Here x1, y1 are AE,B² / A. So equation of normal at AE,B² / A is A² x / x1 is AE minus B² y / y1 B² / A = A² - B² A is cancelled by A, then this is AX/E minus B² is cancelled by B² = AY = A² - B² This normal is passes through the point 0, -B, one end of minor axis. So this equation first passes through 0, -B. So A into 0/E minus AY minus B = A² - B² ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा minus AB = A² - B² क्या आ गया बेटा यहाँ पे -AB = A² - B² मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो आपके पास में टर्म थी -AB = A² - B² मैंने क्या किया है, यहाँ पे वैल्यू पुट की है, और देखो यहाँ पे क्या आ गया है -AB = A² - B² स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा A² B² = A² - B² होल स्क्वायर A² आपको रिलेशन पता है AB and E में क्या होगा बेटा B² = B² = A² - E² क्या रिलेशन होगा बेटा A² - E² तो यहाँ पे जो बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे A² - E² = A^4 A² मैं यहाँ पे वापस से वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये A² - E² होल स्क्वायर देन दिस इज A^4 - E² = क्या होगा A² कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा A² कॉमन आएगा A^4 देन रिमेनिंग 1 - A² कॉमन -1 प्लस
ई स्क्वायर और स्क्वायर वन इज कैंसिल बाय वन, देन ए टू द पावर फोर इज कैंसिल बाय ए टू द पावर फोर, वन माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग टर्म क्या होगी ई टू द पावर फोर, मीन्स ई टू द पावर फोर प्लस ई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो. दिस इज फर्स्ट कंडीशन दैट वी प्रूव, e to the power 4 plus e square minus 1 equal to 0. If we solve this quadratic in e to the power 2, we get e square equal to root 5 minus 1 upon 2. क्या है कि बेटा, अगर हम इस quadratic को solve करते हैं e to the power 4 plus e square minus 1 equal to 0, किस में quadratic बन जाएगी? इसे हम चेंज कर ले, e square plus e square minus 1 equal to 0. तो हमारे पास में ई स्क्वायर क्या आएगा बेटा, ये वैल्यू आएगी रूट फाइव माइनस वन अपॉन टू. ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? हाँ बेटा. देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट. पेयर ऑफ टेंजेंट क्या है? इफ वी हैव एन इलिप्स, वी हैव एन इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू वन, एंड ए एक्सटर्नल पॉइंट and one external point P x1 y1 and this is P, so this is R and this is Q, then PR and PQ both are tangent. Equation of these tangent is called pair of tangent. हमें इस PR और PQ की combined equation निकालनी है, जो क्या होगा pair of tangent. ठीक है बेटा, और external point है कौन सा, x1 y1, तो इसकी जो equation होगी वो क्या होगी, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर. मैं आपको पैराबोला में कैलकुलेट करके बता चुका हूँ, पैराबोला में आपने कैलकुलेट करना सीखा था, यही सेम आ रही थी पेयर ऑफ टेंजेंट की. तो और यहाँ पे एस वन को अगर हम डिफाइन करें तो एस वन, एस क्या होगा बेटा, एस होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस वन, एंड एस वन इक्वल टू क्या होगा, एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस 1, एंड t टेंजेंट x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन v स्क्वायर माइनस 1. ये क्या होगा बेटा, x होगा ये x1 और t. अब आस पास में s s1 इक्वल टू t स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 इनटू x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. दिस इज पेयर ऑफ टेंजेंट. दो टेंजेंट जो है हमारे पास में PR एंड PQ, इनकी कंबाइंड इक्वेशन ये आएगी. ठीक है, और ये किस फॉर्म में आएगा, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन. तो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c इक्वल टू 0, उस टाइप की आएगी. अच्छा बेटा, अगर हमें इसे प्रूव करना है तो हम प्रूव कर सकते हैं. मैं आपको पैराबोला में पहले बता चुका हूं क्या करना है हमें, कि हमें यहां पे या यहां पे कहीं पे भी एक पॉइंट लेना है h, k, जिसका हमें लोकस फाइंड करना है. क्या करना है बेटा, h, k, चाहे इधर ले लो, लेट कर लो, चाहे इधर ले लो, जिसका हमें क्या फाइंड करना है, लोकस फाइंड करना है. तो लोकस फाइंड करने के बाद में अगर आपने पॉइंट यहां पे लिया h, k, तो h, k और x1 y1 से जाने वाली लाइन की इक्वेशन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, आपको जैसे ही आपने वो इक्वेशन कैलकुलेट करी, उस इक्वेशन से और ये वाली जो इलिप्स की इक्वेशन, दोनों को सिंप्लीफाई करके हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद में एच कोमा के का तो हमें क्या फाइंड करना है, लोकस फाइंड करना है. तो एच कोमा के को एक्स कोमा वाई से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी इस टाइप की, जो क्या होगी एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर. तो क्या है, एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन वी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट. नेक्स्ट वन इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. नेक्स्ट क्या बेटा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, इफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू वन. वी हैव इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू वन, एंड एन एक्सटर्नल पॉइंट एक्स वन वाई वन फ्रॉम वेयर वी ड्रॉ टू टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर. दिस इज पॉइंट पी एक्स वन वाई वन, दैट इज एक्सटर्नल पॉइंट. वी हैव
पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर एक्स डैश वाई डैश एंड दिस इज एक्स डबल डैश वाई डबल डैश एंड लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. बेटा आपको गिवन क्या है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन क्या है ये आपको गिवन नहीं है ये आपको ये क्या मिडिल वेरिएबल है मैंने अभी लेट किया है ठीक है इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो उसके लिए और ये आपको गिवन है क्या एक्स वन वाई वन गिवन है और इक्वेशन गिवन है तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को लाइन जो ज्वाइन करेगी उसे हम क्या बोलेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. इसकी जो इक्वेशन आती है वो किसके जैसे आती है टेंजेंट के जैसे टी इक्वल टू जीरो बट यहाँ पे जो पॉइंट है एक्स वन वाई वन वो एक्सटर्नल पॉइंट है याद रखना बेटा अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो ही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगी अदरवाइज नहीं बनेगी. तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होते हैं सेकंड डिग्री कर्व है एक्स एक्स वन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. अगर हमें इसे प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे दो मिडिल वेरिएबल ऐड करेंगे एक्स डैश कॉमा वाई डैश एंड अनदर इज एक्स डबल डैश कॉमा वाई डबल डैश एट एक्स डैश वाई डैश एंड एक्स डबल डैश कॉमा वाई डबल डैश वी वांट टू राइट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स सॉरी वी वांट टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड बोथ इक्वेशंस आर सिमिलर दोनों इक्वेशन क्या होंगी सिमिलर होंगी और वहां पर जो सिमिलरिटी आ रही है वो इनकी वजह से आ रही है बाकी आपके पॉइंट क्या रहेंगे सेम रहेंगे तो उसको हम क्या करेंगे उसे हम अनदर वेरिएबल एक्स कॉमा वाई से रिप्लेस कर देंगे जिससे हमें इक्वेशन मिलेगी एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट. या तो क्लियर हो बेटा हमारे पास में क्या है कि एच कोमा के वो एक्सटर्नल पॉइंट है फ्रॉम टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एच कोमा के इट मीन एच कोमा के इज ए पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ इलिप्स. तो यहाँ पे जो हमारे पास में ये इलिप्स है ये एक्सटर्नल पॉइंट की वजह हमें बेटा एच कोमा के दिस इज एच कोमा के एंड दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट सेंटर से पास हो रही है दोनों ये एच कोमा सॉरी सेंटर ऑफ इलिप्स जीरो कॉमा जीरो दिस इज 90 डिग्री क्या बेटा ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे दिस इज पी क्यू एंड आर. आपको अगर ऐसी कंडीशन है हमें ये प्रूव करना है एच स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर फोर प्लस बी के स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर फोर इक्वल टू वन अपॉन ए टू ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर. तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करो बेटा एच कॉमा के पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्यू आर के इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होती है टी इक्वल टू जीरो की टाइप की होती है. यहाँ पे पॉइंट क्या है एच कॉमा के तो क्या हो जाएगा एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा के वाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट from here hx upon a square plus ky upon b square equal to 1 ये क्या हो गया आपके पास में 1 की वैल्यू है. अब देखो बेटा आपको क्या दिया हुआ है कि इक्वेशन दी हुई है एलिप्स की आपको पता है कि ये जो एक लाइन है ये सेंटर पे और सेंटर क्या है यहां पे ओरिजिन ओरिजिन पे क्या बना रहे बेटा ओरिजिन पे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो इसके लिए क्या होता है होमोजीनियस इक्वेशन होती है. तो होमोजीनियस इक्वेशन के लिए मैं क्या करता हूँ इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो इलिप्स की इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन इक्वेशन ऑफ इलिप्स को और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन के साथ में क्या करता हूँ होमोजिनाइजेशन करता हूँ इसका. और होमोजिनाइजेशन करने के बाद में ये पेयर ऑफ जो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है वो होमोजिनियस इक्वेशन होगी. तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा पहले मैं ये जो आपके पास में क्यू सी और सी आर
जो इक्वेशन है इसको पेयर ऑफ दी स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है इनके पेयर के लिए मैं इक्वेशन फाइंड करता हूँ, उसके लिए दोनों को होमोजेनाइजेशन करना है। तो होमोजेनाइजेशन के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों डिग्री मुझे सेम बनानी है, तो वन की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू, वन की वैल्यू है एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन वी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू की पावर फोर के स्क्वायर वाई स्क्वायर सॉरी के स्क्वायर वाई स्क्वायर बी टू की पावर फोर प्लस टू एच के एक्स वाई अपॉन ए स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखूंगा तो मुझे एक्स स्क्वायर जैसी साइड लेके आया, तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए टू दी पावर फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन वी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन बी टू दी पावर फोर इंटू वाई स्क्वायर एंड माइनस टू एच के अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स वाई इक्वल टू जीरो। दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, टू डिग्री टू डिग्री टू डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन एंड दैट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इन दोनों को सी आर और सी क्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो एंगल है सी आर और सी क्यू के बीच में वो राइट एंगल है, तो राइट एंगल की कंडीशन क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो राइट एंगल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन होगी। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर फोर इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर फोर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर फोर, यही हमें प्रूव करना था। अब सेकंड क्या, ऑल्सो फाइंड लोकस ऑफ एच कोमा के, तो लोकस फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, एच कोमा के को किससे रिप्लेस करना है, एक्स कोमा वाई से। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर फोर प्लस y स्क्वायर अपॉन बी टू दी पावर फोर इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज लोकस ऑफ एच कॉमा के। यहां तक क्लियर है बेटा, हम नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट। आपको जो कॉर्ड है वो क्या इलिप्स की इक्वेशन गिवन है, दिस इज इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन एंड दिस इज कॉर्ड, दिस इज पॉइंट मिड पॉइंट, बाइसेक्ट मतलब मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट इज एक्स वन वाई वन पी एंड इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन गिवन पॉइंट इज टी इक्वल टू एस वन, टी इक्वल टू x x1 upon a square plus y y1 upon v square minus 1 and s1 equal to x1 square upon a square plus y1 square upon v square minus 1। ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, x x1 upon a square plus y y1 upon v square minus 1 equal to x1 square upon a square plus y1 upon v square minus 1, this is कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है बेटा, हमें अगर इसे प्रूव करना है तो हम प्रूव कर सकते हैं, एक पॉइंट को मैं एच टू वाई टू और एक को मैं एक्स थ्री वाई थ्री राइट कर लेता हूँ और इन दोनों से मैं ये दोनों एलिप्स से लाइक कर रहे हैं, दोनों सेटिस्फाई करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इसके लिए हो जाएगी, इक्वेशन सेकंड इसके लिए, दोनों को माइनस कर देना, माइनस करने के बाद उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्म इस फॉर्म में आ जाएगी। और उसे सिंपल तरीके से याद रखने के लिए मैंने क्या किया है, ये इक्वेशन है वो टेंजेंट की जैसी है और ये इक्वेशन है एलिप्स में अगर हम एक्स वन वाई वन पुट करते हैं तो होता है, यहाँ पे जो एक्स वन वाई वन है वो क्या है बेटा मिडिल पॉइंट है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट इज एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू
x1 square upon a square plus y1 square upon v square minus 1. This is equation of chord bisected at a given point. ठीक है बेटा, हाँ बेटा देखो एक एग्जांपल है. सो दैट द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ एन एलिप्स विच पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इज अनदर एलिप्स. यहां पे मिडिल पॉइंट की बात किए तो हम क्या यूज करेंगे, यहां पे कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट. तो आपके पास में ये एलिप्स है, इस एलिप्स की एक कॉर्ड गिवन है बेटा. ये कॉर्ड आपके पास में, इसका मिडिल पॉइंट मैंने एक्स वन वाई वन और ये फिक्स पॉइंट एच कॉमा के से पास हो रही है. तो इसके लिए हमें क्या करनी है, इसकी ये प्रूव करना है कि ये दूसरी एक इलिप्स बनेगी. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले ये जो इलिप्स है इसकी इक्वेशन लिए मैंने, लेट किया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू वन. दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स. देन फर्स्ट वी राइट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट. कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट तो क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड बाइसेक्टेड एट एक्स वन वाई वन क्या हो जाएगी बेटा, टी इक्वल टू एस वन मीन्स एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन. वन इज कैंसिल बाय वन. एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर. ठीक है बेटा, दिस कॉर्ड पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट h कॉमा k, किससे पास हो रहा, h कॉमा k से. तो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड टू पॉइंट h कॉमा k. दिस इज x1 h अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 k अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर. ठीक है बेटा, अच्छा देखो मैं क्या करता हूँ, सारी टर्म्स को एक साथ देता हूँ. तो x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस x1 h अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 k अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू जीरो. ये जो आपके पास में टर्म दी हुई है, x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस x1 h अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 k अपॉन b स्क्वायर, यहाँ पे मैं दोनों साइड क्या करता हूँ बेटा, इसमें x1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस एक्स वन एच अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वन के अपॉन वी स्क्वायर. यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ कुछ टर्म, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे मैं टर्म ऐड कर देता हूँ एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ठीक है बेटा, प्लस के स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर. 1 by 4 into 1 by 4 equal to 1 by 4 of h square upon a square plus k square upon b square. ये तो टर्म है, x1 square a square and x1 h upon a square 1 by 4 h square upon a square. ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, x1 minus h by 2 all square y a square. क्या बनेगी बेटा, x1 minus h by 2 whole square upon a square plus y1 minus k y 2 whole square upon b square equal to 1 by 4 of h square a square plus k square upon b square. ठीक है बेटा, ये क्या हो गई, एक इलिप्स की इक्वेशन आ गई. ये क्या हो गई, यहाँ पे हमें जो मिडिल पॉइंट था, मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना था. और मिडिल पॉइंट का अगर किसी पॉइंट का लोकस फाइंड करना है तो उस पॉइंट को हम किससे रिप्लेस करते हैं, x कॉमा y से. सो वी रिप्लेस x1 by 1 y x कॉमा y. दिस इक्वेशन बिकम x माइनस एच वाई टू होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के वाई टू होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 by 4 ऑफ एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. ठीक है बेटा, दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स हूज सेंटर लाई ऑन एच वाई टू एंड के वाई टू. ये इक्वेशन है एलिप्स की जिसके सेंटर कहाँ पर लाई कर रहे हैं, एच वाई टू और के वाई टू पे. यहां तक क्लियर हुआ बेटा, ठीक है. आपके पास हमें क्या प्रूव करना था कि दूसरी जो इक्वेशन आएगी इसका लोकस आएगा वो क्या होना चाहिए, एलिप्स होनी चाहिए. और यहाँ पे दिस इज इक्वेशन ऑफ सेंटर एच वाई टू एंड के वाई टू. एच एंड के इज ए कॉन्स्टेंट पॉइंट और फिक्स पॉइंट. बात क्लियर है ना.